बिग बॉस 16 के लेटेस्ट एपिसोड में जहां निमृत कौर आलूवालिया की कैप्टेंसी को छीनने के लिए घर वालों के बीच तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली, वहीं अब नॉमिनेशन टास्क से बवाल मचेगा। नॉमिनेशन टास्क में जहां निमृत ने प्रियंका को नॉमिनेट किया, तो वहीं शालीन और शिव ठाकरे ने टीना दत्ता को नॉमिनेट किया। इसी नॉमिनेशन टास्क को लेकर शालीन और टीना के बीच झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को नॉमिनेट करने को लेकर भिड़ गए। बात इतनी आगे बढ़ी कि शालीन ने टीना से कह दिया कि वे फेक हैं और वे उनसे नफरत करते हैं। पर असली बवाल तब मचा जब बिग बॉस ने घर वालों से रूम 2 और रूम 6 छीन लिया। इससे घर में कोहराम मच गया। बता दें कि इस बवाल को बिग बॉस 16 के 26 जनवरी को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। इसका प्रोमो रिलीज किया गया है। सभी घर वाले जब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं तो बिग बॉस कहते हैं कि उन्होंने रूम ऑफ 2 और रूम ऑफ 6 को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला ले लिया है, इसीलिए सब लोग वहां से अपना सारा सामान और राशन खाली कर दें। बिग बॉस घर वालों से ये भी कहते हैं कि कौन कहां रहेगा ये सब आपस में देख लें। और इसी के बाद असली जंग शुरू होती है। प्रियंका चाहर चौधरी और टीना दत्ता कहती हैं कि उन्हें रूम ऑफ 2 में रहना है, जब शिव ठाकरे कहते हैं कि रूम ऑफ 3 सही तो है। जवाब में प्रियंका बोलती है कि उनकी आँख खुल जाती है और वे बिग बॉस एंथम का इंतजार करती हूँ। इस पर निमृत कहती है कि एंथम के लिए तो वे कहीं से भी उठकर आ सकती है, लेकिन प्रियंका नहीं मानती। इस पर शिव कहते हैं कि वे इस तरह के नखरे न दिखाएं। और यहीं से बवाल मचना शुरू हो जाता है। प्रियंका बुखला जाती है और शिव पर भड़कते हुए कहती है कि वे बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं और अब वे दुनिया के सामने उनकी सच्चाई लाकर रहेंगी। प्रियंका शिव से कहती है रूम ऑफ 4 में हम ही हैं, अब आप आउट हो। शिव कहते हैं कि यहाँ धमकियों से नहीं चलेगा, ये तीनों का घर है क्या जो वो इतना एटीट्यूड दिखा रही है। इसके बाद शिव ठाकरे रूम ऑफ 4 में जाकर बेड पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वे तो वहीं रहेंगे। उधर प्रियंका और टीना भी एक बेड पर जम जाती हैं और दोनों में बहस हो जाती है। अब देखना ये होगा कि रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 3 में बचे हुए 8 कंटेस्टेंट्स कैसे एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।